नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र अकेडमी में। जी हाँ मित्रों, डीएलएड प्रमोट को लेकर के सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स आ रही थी बैक विद्यार्थियों की आ रही थी, तो डीएलएड बैक पेपर प्रमोट होगा कि नहीं होगा उसके संबंध में मित्रों चर्चा करेंगे क्या स्थिति है। और सीधे आज पीएनपी पर पहुँचा जा रहा है, बिल्कुल पीएनपी से अपडेट आपको कुछ समय पश्चात या शाम तक प्रदान कर दी जाएगी। क्या कुछ माननीय सचिव जी के द्वारा कहा जाता है उसकी अपडेट भी आपको मित्रों शाम तक दे दी जाएगी। मित्रों, तो डीएलएड बैक पेपर को लेकर के काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप सभी को प्रमोट के लिए ऑफिशियल लेटर भी जारी हो चुका है। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के पश्चात में जो पास में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए मित्रों, ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आप सभी जो भी विद्यार्थी विशेषकर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी, रेलवे एग्जाम, यूपी पुलिस, एसआई आदि की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए सेकंड चैनल एमआर गुरु यानी मैथ रीजनिंग गुरु के नाम से क्रिएट हो चुका है मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। और उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां पर जाकर के आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को अपने सभी मित्र बंधु छोटे भाई बहनों के साथ उसको शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उस पर जो हमारा निःशुल्क शिक्षा के प्रति ध्येय है और जो टेस्ट सीरीज है वो बहुत अच्छी आपको प्रारंभ कर दी जाएंगी मित्रों शीघ्रता से, तो आप सभी भी उस पर जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सभी मित्र बंधुओं के साथ मित्रों। तो चलिए टुडे का वीडियो प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ऑफिशियल लेटर कल शाम तक जारी हो चुका था, वहीं पर न्यूज़पेपर प्रत्येक न्यूज़पेपर में यही दिया हुआ है कि डीएलएड को प्रमोट करने और अन्य परीक्षाएं कराने के संदर्भ में दिशा निर्देश आ चुके हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि निदेशक एससीईआरटी को शासन का दिशा निर्देश जारी हो चुका है, अक्टूबर में परीक्षा की तैयारी, परीक्षा नियामक घोषित करेंगे की तारीख, शीघ्रता से परीक्षा नियामक यानी पीएनपी से शीघ्रता से शीघ्र आप आपकी परीक्षा की जो उसका विस्तृत कार्यक्रम है, परीक्षा कब किस तरह कराई जानी है वो जल्दी से आपको घोषित किया जाएगा मित्रों। तो प्रमोट को लेकर के आप सभी लोग जानते हैं कि परीक्षाएं जो है किस तरह आपको प्रमोट किया जाना है, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि डीएलएड तृतीय सेमेस्टर या 12 बैच के लिए तृतीय सेमेस्टर को प्रमोट किया जाएगा। उनका आधार रहेगा प्रथम व द्वितीय सेमेस्टर के सभी विषयों में पास होने चाहिए, ठीक है, और उसी के एवरेज अंक को उनके प्रमोट अंक मान लिया जाएगा मित्रों। वहीं पर 19 बैच के लिए प्रथम व द्वितीय सेमेस्टर यानी प्रथम सेमेस्टर को प्रमोट किया जाएगा और द्वितीय सेमेस्टर के एग्जाम अक्टूबर में कराए जाएंगे, तो इनके लिए 100% सभी को प्रमोट किया जाना है, यानी कि सभी को प्रतिशत किया जाएगा। द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा अक्टूबर में कराई जाएगी जो प्रस्तावित की गई है। अब प्रशिक्षुओं को दूसरे सेमेस्टर में मिले अंक ही पहले सेमेस्टर के अंक माने जाएंगे, यानी जितने आप अधिक या कम जैसे भी अंक आप द्वितीय सेमेस्टर में तैयारी के हिसाब से लेकर आओगे वही अंक आपके प्रथम सेमेस्टर के माने जाएंगे मित्रों। इसलिए आप सभी बेहतर तैयारी करें मित्रों सभी। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं और अन्य के लिए परीक्षाएं कराए जाने के संबंध में भी ये जारी हो चुका है। और वहीं पर सबसे ज़्यादा जो ढेर सारे इशू बना हुआ था कि बैक पेपर के लिए जो प्रश्न जो किसी भी सेमेस्टर में बैक है, दो से अधिक सब्जेक्ट में आपके बैक होती है तभी आपका क्या होगा बैक माना जाता है, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट और या दो सब्जेक्ट वाले जो भी प्रश्न जो हमारे कमेंट्स कर रहे थे उनके लिए कोई तनाव वाली स्थिति नहीं है, आप सभी निश्चिंत हो जाएं। लेकिन जो प्रश्न किसी भी सेमेस्टर में बैक हैं वह प्रमोट की आर्हता नहीं रखते हैं, क्योंकि यह विभागीय परीक्षा में फेल हो चुके हैं, ऐसा उनके द्वारा कहा गया है, ठीक है। और इसके संबंध में उच्च शिक्षा द्वारा शिक्षा अधिकारी द्वारा यह बताया गया है कि जो छात्र 22 मार्च तक अगली परीक्षा हेतु पात्र नहीं है उन्हें प्रमोशन का लाभ नहीं मिलेगा मित्रों, ठीक है। यानी कि आप यदि आपका सेमेस्टर बैक है तो आपको प्रमोशन का लाभ नहीं मिलेगा और जो आपकी परीक्षा है, अतः जो भी प्रश्न बैक या फेल हैं उनकी परीक्षा समय पूर्व करा ली जाएगी, समय से निर्धारित यानी करा ली जाएगी, जिससे आप लोग आगामी भर्ती में सम्मिलित हो पाएंगे। और इसीलिए आपको कोई भी तनाव वाली स्थिति बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि सभी का जो संगठन है आप सभी के लिए बिल्कुल से आपके साथ रहेगा मित्रों। इसीलिए आप बिल्कुल से कोई भी ऐसी स्थिति, पैनिक स्थिति या तनाव वाली स्थिति अपने मन में ऐड बिल्कुल भी ना करें मित्रों, और कोई भी तनाव वाली स्थिति को बिल्कुल से मानसिक के ऊपर या दबाव ना आने दें मित्रों। और वहीं पर तो बैक सभी विद्यार्थियों हेतु बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्यों आज पूरी टीम, ठीक है, बैक प्रकरण के लिए पूरी संबंधित जो भी जानकारी होगी उसको लेने के लिए और क्या कुछ किया जा सकता है माननीय सचिव जी के द्वारा उस पर पूर्ण चर्चा की जाएगी, ठीक है, और उनसे जानकारी भी प्रदान की जाएगी। तो सचिव जी इस मुद्दे पर बात करेंगे बिल्कुल से, तो प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंच चुके हैं और बाकी सभी लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो इनके द्वारा पोस्ट की गई है और ये वीडियो आपको हो सकता है थोड़ा लेट मिले मित्रों, क्योंकि सभी लोग पहुँच रहे हैं धीरे धीरे करके। तो उम्मीद है कि आपके शाम तक आप सभी के लिए कुछ ना कुछ पीएनपी सचिव जी के द्वारा कुछ ना कुछ आश्वासन दिया जाएगा और आपके संबंध में भी कुछ ना कुछ जरूर आवश्यक किया जाएगा मित्रों। इसीलिए
किसी को भी बैक विद्यार्थियों किसी भी आप वर्ष के हो, ठीक है, 2017 वर्ष हो या 18 वर्ष हो या आपका कोई भी सेमेस्टर बैक हो, तो आपको कोई भी पैनिक वाली स्थिति बिल्कुल से नहीं लेनी है मित्रों। तो सभी टीमें धीरे धीरे करके पहुंच रही हैं और शीघ्रता से बात की जाएगी मित्रों, और बात करने के पश्चात शाम को जो भी स्थिति होगी वह वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट दी जाएगी मित्रों। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे मित्रों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों, अध्ययन करते रहिए।